जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। आज 1 जून 2024 हो चुका है और अभी तक जो किसान भाई इंतजार कर रहे थे जून आने का और जून में आलू बिक्री करने का, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आप लोगों को आपका मई तक का निकासी कितना हुआ है बंगाल से लेकर के पूरा यूपी का रिपोर्ट इस वीडियो में दूंगा, और अभी तक बिक्री क्या क्या कैसा सिस्टम रहा, कोल्ड स्टोरों में बिक्री कैसे हुई। अच्छा, आखिरकार जो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं वो डाटा क्लियर मिल क्यों नहीं पाता है, उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। आगरा का जो आलू का भाव है और जो छिबरामऊ के आलू का भाव है, अंतर क्यों होता है और अंतर होना भी क्यों जरूरी है, वो सारी डिटेल पर आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपके अपने भाई का चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम इसी तरीके से आलू से जुड़ी हुई, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई न्यूज वगैरह लाता रहता हूं। देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, और अभी तक बारिश का जो एक सिस्टम चल रहा था कि भाई बारिश 2 तारीख से होने वाली है, और अभी तक कहां कहां पर बारिश हुई है इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल की। देखिए, नॉर्थ बंगाल में जो है आपका, मान के चलिएगा आप 30 और 31 मई को हल्का फुल्का बारिश हुआ था नॉर्थ बंगाल में, और आपका अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, वेस्ट बंगाल में जैसा हुगली हो गया और बर्धमान हो गया, वहां पर भी रात में कुछ बारिश हुआ था 31 तारीख। तो जिससे कि बारिश जो है भी कोई खास नहीं हुआ है जिससे कोई खास इफेक्ट पड़ सके हरी सब्जियों पर। तो ज्यादातर क्या है कि अभी हरी सब्जियां डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आलू की जो डिमांड है कम है, और मौसम इतना गर्म है कि अगर आप जो है दिन में 11 बजे से और दिन के 4 बजे तक अगर कहीं आप दोपहर में निकलते हैं ना, तो आपको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी का इफेक्ट जो है आलू के भाव पर पक्का पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आलू के बिक्री जरूर कम है लेकिन भाव नहीं कम है, भाव आज भी वही है जो पहले था, बस फर्क इतना होता है क्वालिटी का। अच्छा, अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में अभी तक निकासी का जो रेशियो निकाला गया है, आखिरकार अभी जो है वहां पे लिखत वाला रेशियो नहीं आ पाया है, बंगाल की निकासी का जो रेशियो बताया गया है वहां पे लोग बताते हैं कि भैया 10% प्लस, मतलब अभी मई तक 10% प्लस आलू की निकासी हो चुकी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो निकासी की जो अगर बात करी जाए तो 10% प्लस है, 2 दिन बाद जो है पक्की और सटीक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। वहां पर जो आलू का भाव है वहां पर 1000 रुपए से लेकर के 1150 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से आलू का भाव है, आलू का जो भाव है वो ढाला क्वालिटी का, मतलब बिल्कुल तैयार एकदम रेडी आलू जो है 1000 से लेकर के और 1150 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। आलू की डिमांड भी वहां पर भी, मतलब गर्मी तो बराबर पड़ रहा है पूरे देश में, गर्मी तो हाई है, तो टेम्परेचर कहीं कहीं तो 47 चला जाता है, कहीं कहीं तो 48 चला जाता है, तो गर्मी की वजह से डिमांड थोड़ा वहां पर भी कम है लेकिन भाव कम नहीं है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ बारिश का, बंगाल के भी किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं जिनके पास आलू रखा है कि भाई बारिश हो जाए, हरी सब्जियों पे कुछ इफेक्ट पड़े ताकि जो है आलू की डिमांड बढ़े। चलिए कोई नहीं, जो है मौसम अभी 2 तारीख तक के लिए बारिश दिखा, 2 तारीख से बारिश दिखा रहा था, लेकिन अब अभी कोई बारिश का मानसून नहीं दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई देता है या कहीं होती है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए अब हम लोग जो है फरखाबाद पे बात करते हैं। फरखाबाद की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के फरखाबाद में अधिकांश जितने भी कोल्ड स्टोरेज है, अधिकांश कोल्ड स्टोरों में जो शीतगृह मतलब कंपनियां खुद अपना आलू रखती हैं, खुद का आलू रखा होता है तो डाटा कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, कोई डाटा क्लियर बताना नहीं चाहता है। तो वहां पर जैसे कि एक एरिया है फरखाबाद का जहानगंज एरिया, जहानगंज एरिया में कम से कम 8-10 कोल्ड स्टोरेज है, 8-10 कोल्ड स्टोरेज में फरखाबाद से अच्छी निकासी जहानगंज एरिया में हुई है। जहानगंज एरिया की अगर बात की जाएगी तो जहानगंज एरिया में किसी कोल्ड में 30,000 पैकेट निकला है, किसी में 40,000, तो किसी में 50,000, किसी में 60,000 पैकेट आलू तक निकल चुका है।
वहां पर क्या होता है, आलू की बिक्री बोली से होती है, बोली लगती है और बोली का जो भाव होता है, एक्चुअली अभी अगर आम भाव आपको बताया जाएगा तो यहाँ पर एक पैकेट का भाव बताया जाएगा आपको 650 से लेकर के 720 रुपए। और भैया वहां पर बोली लगती है संडे बाई संडे या फिर अपना कोई दिन निर्धारित होते हैं, तो वहां पर आलू का जो भाव है ऊपर में अभी तक बराबर 801 रुपए तक जा रहा था, सफेद आलू 801 रुपए किसान का दाम। और अब क्या है, लोगों का मानना ये गर्मी है, डिमांड नहीं है, उस वजह से लोगों का मानना ये 770-780 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से सफेद आलू की बिक्री हो रही है। आम बाजार जो है 750 रुपए के हैं और अगर खूब बिक्री मानी जाएगी तो 700 रुपए के आसपास बिक्री सफेद आलू की ज्यादा होती है। फरखाबाद की निकासी का रेशियो जो हमने तैयार किया है वो आपका मान के चलिएगा 10 से 11% तक का निकासी हमने अपने हिसाब से देखा है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि निकासी जो है कम से कम वहां पर 14-15% हो चुकी है फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट की। और अगर जिला दंड अधिकारी जी से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई वहां पर निकासी सिर्फ 8-9% हुई है और मेरे हिसाब से 10-11% हुई है और लोगों के मुताबिक 14-15% हुई है। आप अगर फरखाबाद से वीडियो को देख रहे हो और आलू में आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फरखाबाद की निकासी अब तक कितना हुई है। अच्छा, फरखाबाद में जो है आलू का भाव इस बार जो है आलू की निकासी क्यों ज्यादा रही, एक्चुअली फरखाबाद के कोल्ड स्टोरों में अब बताते हैं कि बोली लगती है तो आराम से व्यापारी ज्यादा होते हैं और किसान इस समय कम आ रहे हैं, किसान वही आ रहे हैं जिनको पैसे की जरूरत है और नहीं तो जिनको पर्सनल चाहिए होता वो लेने आ रहे, लेकिन ज्यादा बिक्री वाले किसान कोल्ड स्टोरों में नहीं पहुंच रहे था। तो आम तौर पे मैंने देखा है कि बिक्रियां जो होती हैं तो आप मान के चलिएगा वही किसान बेच रहे हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, बाकी किसान सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बारिश होने का। अच्छा, अभी जो बारिश हुआ था, अभी हाथरस में एक दो जगह पे बारिश हो गया था, आगरा में कुछ बारिश हो गया था, लेकिन अभी ना है तो कन्नौज में बारिश हुआ है ना ही फरखाबाद में बारिश हुआ है, मतलब कि आपका मान के चलिएगा आगरा से इधर कोई भी पूरा पूर्वांचल में आप चले जाएंगे किसी जगह किसी प्रकार का कोई बारिश नहीं है और ना ही तो अभी 2-4-6 दिन बारिश होने का कोई अनुमान बता रहे, मतलब एक हफ्ते तक अभी कोई बारिश का कोई अनुमान नहीं है, बाद बाकी फिर मौसम है कब कैसे बदल जाए इसका कोई क्लियर नहीं होता है। तो फरखाबाद में आलू का जो भाव है आपका सफेद ख्याति पुखराज आलू जो है नीचे में 670-680 रुपए से लेकर के ऊपर में 770-780 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से सफेद आलू बिक रहे हैं किसान के दाम में। लाल गोल वाले की बात करेंगे तो लाल गोल वाले आपके 700 से लेकर के 750 और ऊपर में 825-830 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहे हैं। न्यू आइलैंड की बात की जाएगी तो न्यू आइलैंड आलू आपका बिक रहा है 750 से लेकर के ऊपर में 850 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन अगर कोई बढ़िया अच्छा होता है तो उसका भाव 900 रुपए भी मिल सकता है, किसान के दाम बता रहा हूं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी अगर आपकी जीरो वाली होगी ना तो भाई सब फिर उसके हिसाब से बिक्री होती है। क्वालिटी आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचो कि जब आप लोग आलू को कोल्ड में रखते हो तो आप लोग क्या ग्रेडिंग करके देते हो मुझे बताइएगा, अगर यही की बात कर रहा हूं मैं, आप किसी आलू में मुझे ग्रेडिंग करके दिखा दो तो मैं आपको बताऊं। आप लोग क्या है भरते समय तो आपको ये लगता है कि यार डालना है डाल दो बात खत्म होती है, लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं समझते हो कि हमको सरिकत भी करनी है दूसरे जिले की या दूसरे जगह की, तो आप लोग वो तो करते नहीं हो। ग्रेडिंग सबसे कमजोर फरखाबाद और कन्नौज की, किसान भाइयों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ, किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग जो है आलू को ग्रेडिंग करके डाला करो ताकि आपको बिक्री के समय सही रेट मिल पाए। अच्छा ठीक है, तो ये तो आलू के भाव से फरखाबाद के, फरखाबाद में 10-11% आलू की निकासी हुई है, फरखाबाद में अधिकांश ऐसा कोई कोल्ड बता दो जिस कोल्ड स्टोरेज में खुद का आलू ना रखा जाता हो, अब मैं उस कोल्ड का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एक जो कोल्ड होगा, लेकिन अधिकांश ऐसे कोल्ड हैं जिनमें खुद कंपनी अपना माल रखती है और अपने हिसाब से भाव को चलाती है। कोई नहीं, वो अपना अपना धंधा है, अपना अपना सिस्टम है, चलाइए हमें क्या है। बाद बाकी अगर बात करें हम लोग छिबरामो की और कन्नौज की, छिबरामो और कन्नौज में तो हालात ऐसे हैं कि आपका आलू जिस भाव बिक जाए बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहली बात, किसान बिक्री के लिए नहीं आ रहे हैं, दूसरी बात किसान इंतजार कर रहे हैं कि बारिश होगी तो भाव बढ़ेगा तब बिक्री करेंगे,
अच्छा छिबरा मुंह में मैंने अधिकांश देखा है, जितने भी कोल्ड में आप जाओगे आपको किसी प्रकार की कोई ग्रेडिंग नहीं मिलेगी। आलू का भाव अगर दूसरी जगह चल रहा होगा 700 रुपए, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 650 रुपए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग की कमी होती है, ग्रेडिंग कम है इस वजह से। तो छिबरा मुंह के जो आलू का भाव है, छिबरा मुंह में आलू आपका जो है बिक रहा है 650 से 700 रुपए प्रति पैकेट सफेद आलू। लाल गोल वाला 700 से लेकर के 800 रुपए, न्यू आइलैंड 800 से 870, 850 रुपए। निकासी पूरे कन्नौज में जिला जन अधिकारी जी से बात किया तो उन्होंने 8% आलू की निकासी पूरे कन्नौज जिले की बताई है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे कन्नौज जिले में अभी तक लगभग 10% प्लस आलू की निकासी हो चुकी है। अच्छा अभी बिक्री जो है थोड़ा मतलब बिक्री है, डिमांड है, लेकिन किसान नहीं आ रहे हैं। किसान पहले मक्का और मूंगफली को देखकर ही बिक्री करना चाहते हैं, मक्का मूंगफली में कैसा क्या सिस्टम होता है, अच्छा पैसा अगर उसमें मिल रहा है तो आलू सस्ता भी चला जाएगा, तो कोई गम नहीं है यहाँ के किसानों को पैसा। उस वजह से पहले मक्का मूंगफली फिर आलू को देख रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए आपके आगरा क्षेत्र की, आगरा क्षेत्र में निकासी जो है जिला उद्योग अधिकारी द्वारा बताई गई है लगभग 15%, आम लोगों का मानना 20-22% है, लेकिन मेरा मानना सिर्फ यही है कि आपका 18 से 20% के आसपास में आलू की निकासी आगरा क्षेत्र में हो चुकी है साहब। और आगरा क्षेत्र का जो आलू का भाव है 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। और बाहर की मंडियां जो है, जैसे कि बेंगलोर की मंडी हो गई, अदरवाइज कर्नाटका बाहर की जो मंडियां हैं वो आपकी 2500 से लेकर के 3000 रुपए क्विंटल के हिसाब से आलू का भाव चल रहा है। मतलब आलू का भाव